My name is Rishabh Srivastav and this is an official YouTube channel of Pariksha Manthan. Current affairs की series में अब हम आगे बढ़ते हुए आज के नए topic पर आ गए हैं जिसका नाम है labor reforms. ठीक है, यानी श्रम सुधार. तो श्रम सुधार, तो इस वीडियो में हम जानेंगे पहले तो ये क्यों न्यूज में, आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो इस वीडियो के अंदर आपको पता ही चल जाएगा. तो हम जानेंगे कि इंडियन में लेबर लॉज की क्या स्थिति है, लेबर लॉज का पर्पस क्या होता है और लेबर लॉज किसके लिए बनाए जाते हैं, लेबर्स के लिए. तो लेबर मार्केट के क्या इश्यूज हैं, इश्यूज विद द लेबर मार्केट. और इसके जानने के बाद हम जानेंगे कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या स्टेप्स लिया हुआ है. ठीक है, उसके की फीचर्स को जानेंगे और की फीचर्स जानने के बाद हम देखेंगे कि गवर्नमेंट से जो अभी नया कानून पास किया गया है उससे कंसर्न्स क्या 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 हैं और क्या किया जा सकता है, व्हाट शुड बी डन, इसको अच्छा करने के लिए क्या किया जा सकता है. तो इस वीडियो के अंत तक आपको इतना ज़रूर पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं लेबर रिफॉर्म्स के बारे में, जिसमें पहला टॉपिक है लेबर लॉज. तो लेबर यानी श्रम एज अ सब्जेक्ट कहाँ लाई करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेबर लॉज यानी लेबर आपका कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में आता है. अब ये समवर्ती क्या चीज़ है भाई, पॉलिटी के स्टूडेंट्स को पता होगा. तो समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट आप जो लेबर है उसके लिए दोनों पार्टी यानी स्टेट्स एंड सेंटर, ये दोनों लोग लेबर पे यानी कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉज बना सकते हैं. तो सेंटर भी कानून बना सकता है लेबर पर और स्टेट भी कानून बना सकता है लेबर पर. तो इस दिशा में हम देखेंगे कि लगभग मोर देन 44 से 45 सेंट्रल लॉज हैं और मोर देन 100 to 150 स्टेट लॉज हैं. दैट मीन्स कि लगभग 150 से 200 लॉज किस पर हैं भैया, लेबर पर. जो लेबर लॉज हैं वो कम से कम इतने सारे हैं. अब इसकी आयरनी देखिए, अगर आप हमारी इकोनॉमिक जीडीपी को देखेंगे और उसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को देखेंगे तो आप समझ में आएगा आपको, जैसे कि दो प्रकार के सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लगभग 9 से 10% लेबर फोर्स काम करती है और लगभग 90% ऑफ लेबर यानी श्रम जो है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है. ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब वाइट कॉलर जॉब्स, वेज सैलरी जिनकी फिक्स हो, टाइम फिक्स हो उनका, जो और भी इमोल्यूमेंट्स हो फिक्स हो. अनऑर्गेनाइज का मतलब कुछ नहीं, जो हमारे रिक्शा वाले, ये जो हमारा जो रेड़ी पटरी वाले होते हैं, जो डेली वेज वर्कर्स सेलर्स होते हैं उनके बारे में. तो ज़्यादातर हमारा लेबर फोर्स यहाँ आता है, पर ये जो लॉज है ये हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर को बिलोंग करता है. यानी 9 से 10% के लेबर फोर्स के लिए हम इतने सारे लॉज बना डालते हैं. ये तो टॉपिक ऑफ डिबेट है कि ये सही है या गलत, पर जो सच्चाई है वो यही है. तो जो लेबर लॉज हैं वो दो टाइप से हो सकते हैं. कौन कौन से, पहला तो हो सकता है सामूहिक कलेक्टिव. कलेक्टिव लेबर लॉज और दूसरा हो सकता है इंडिविजुअल लेबर लॉज. कलेक्टिव लेबर लॉज मतलब इसमें सभी का इंटरेस्ट देखा जाता है, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, चाहे वो एम्प्लॉई हो, चाहे वो वहाँ का कोई भी और अदर वर्कर हो या ट्रेड यूनियन हो या और कोई संगठक हो, और भी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबका इंटरेस्ट देखा जाता है. पर यहाँ जो इंडिविजुअल राइट्स ऑफ लेबर है उसके बारे में जाना जाता है, उसके राइट्स के बारे में, उसके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में और भी कई चीज़ों के बारे में. तो लेबर लॉज इस पर होता है. ठीक है, तो इतने सारे इन सभी विषयों पर लेबर लॉज बनाए गए हैं. इनका पर्पस क्या हो सकता है, अगर आप लेबर लॉज के पर्पस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक तरीके का लीगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. ठीक है, लीगल प्लेटफॉर्म कैसे,
अगर सेंटर ने या स्टेट ने कोई लॉ बना दिया कि वेजेस के लिए ये कानून है, रेन्यूमरेशन के लिए, कंपेंसेशन के लिए, मैटरनिटी बेनिफिट के लिए ये कानून है, तो उसको एक लीगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसी के साथ एक ये बढ़िया फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। फ्रेमवर्क से क्या मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उसका क्या पर्टिकुलर रोल होता है और उस रोल से बाहर वो दूसरे के एरिया में इंक्रोच नहीं कर सकता है, दूसरे के एरिया में हनन उसका नहीं कर सकता है। एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि आपको इस सांचे के इस एलिमेंट के बाहर वर्क नहीं करना है, ये आपकी मर्यादा है। और सबसे बड़ी बात कि इंडिविजुअल राइट्स को गारंटी करता है। अगर कोई वर्कर अकेले काम कर रहा है तो उसके राइट्स की बात करेगा लेबर लॉ, और भी बहुत सारे हो सकते हैं पर उतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल आप समझिए कि लीगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, इंडिविजुअल राइट्स की रक्षा करता है और भी कई सारे हमको एलिमेंट्स देता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जानने के लिए कि क्या इश्यूज़ हमारे लेबर मार्केट में चल रहे हैं जिसको कि दूर करने के लिए लेबर रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। तो अगर हम इश्यूज़ की बात करें तो सबसे पहले हम समझ सकते हैं पुअर सोशल सिक्योरिटी, खराब सामाजिक सुरक्षा। अब सामाजिक सुरक्षा क्या होती है कि किसी वर्कर को हम उसमें ट्रस्ट बिल्डअप करें और उसको सामाजिक रूप से संपन्न बनाएं, या दैट मींस कि उसके सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखें, उसके राइट्स को ध्यान में रखें, उसका एक्सप्लॉयटेशन को दूर करें और उसको हैप्पी और इमोशनली स्ट्रांग बनाएं, तो उसको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो जो भी आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होंगी या गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी होंगी तो वो जो है क्या करेंगी, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। पर फिर से आपका जो लेबर लॉज है ज़्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जाता है, जो कि 9-10% ही एम्प्लॉयमेंट में है, यानी 90% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हैं और ज़्यादातर हम ये समझ सकते हैं कि उनकी सिक्योरिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो ये पुअर सोशल सिक्योरिटी को भी डिनोट करता है। दूसरा कैन बी मल्टीप्लिसिटी ऑफ आर्काइक लॉज। आर्काइक मतलब होता है पुराना, पुरातन, मल्टीप्लिसिटी मतलब अधिकता यानी बहुलता। तो पुराने कई सारे लॉ की बहुत ज़्यादा अधिकता है, यानी हमने आपको बताया कि 150 से 200 लॉ हैं और टॉपिक क्या है आपका लेबर, और लेबर में जितने भी संगठक हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसके लिए लॉज बनाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे कानून हैं। तो ये हमारा दूसरे इशू को भी रेज कर सकता है कि जिसको हम कह सकते हैं एम्बिगुअस डेफिनेशंस। भाई अगर वेज के लिए 1-2 कानून है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट भी है, मिनिमम वेजेस एक्ट भी है, और एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट भी है, उसमें भी वेज का नाम दिया गया है। तो जितनी बार ये एक्ट आएगा उतनी बार ये वर्ड वेज आएगा। अब उतनी बार इस वेज की डिफिनीशन देनी पड़ेगी और उसकी डिफिनीशन अगर अलग अलग है तो जाहिर सी बात है कि वो एम्बिगुअस हो जाएगी। कभी कभी केस होगा वेज पर और डिफिनेशन की बात आएगी तो आप डिफरेंट डिफरेंट लॉ पे जाएंगे, वहाँ पे उसकी डिफिनेशन ढूंढेंगे। तो ये एक एम्बिगुअस डिफिनेशन को प्रोवाइड करता है। इसलिए हमेशा एक कोहेरेंस, एक समरसता बनी रहनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कानून में, उसकी डिफिनेशंस में। और हम कह सकते हैं कि रिजिड लॉज। रिजिड लॉज से क्या मतलब है कि जैसे अगर पहले कोई नियम था कि अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और या कोई भी ऑर्गेनाइज्ड कंपनी है वो 100 एम्प्लॉयज को रखी हुई है, तो इससे ऊपर अगर उसके एम्प्लॉय है 100 से ज़्यादा, तो उनको निकालने के लिए या कोई भी कंडीशन लगाने के लिए उनको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। ठीक है, अब भाई कौन सी ऐसी कंपनी होगी जो गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से आएगी, तो क्या करेंगे वो 90-95 एम्प्लॉय कर सकते हैं। मान लीजिए परमानेंट आपने कर भी दिया कि भाई आप परमानेंट एम्प्लॉय हो, या और भी कई ऐसी टेक्निक्स हैं, उसके बाद उसको गवर्नमेंट को इवेड करने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे काम देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इससे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को बढ़ावा मिला। ठीक है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को बढ़ावा मिला इससे उनका एक्सप्लॉयटेशन और बढ़ता चला गया। तो रिजिड लॉज नहीं होने चाहिए, थोड़ी सी ढील भी देनी चाहिए प्राइवेट पार्टनर्स को या और भी सारे ग्रुप्स को कि भाई आप एम्प्लॉय करिए, उनका ध्यान रखिए, हम इंटरफियर नहीं करेंगे पर आप एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे। ठीक है, अब कह सकते हैं अनस्किल्ड लेबर क्लास। इसमें कोई शक, जो लेबर हैं हमारे उनको एक आदत है, हमारे यहाँ टेंडेंसी है लर्निंग बाय डूइंग की,
तो ये जो लर्निंग बाय डूइंग है, ये हमारी टेंडेंसी है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके देखेंगे, किसी को भी आप एम्प्लॉय किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं, बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इफ़ यू इवन यू आर नॉट ट्रेंड, यू विल गेट एम्प्लॉयड इन एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। फिर आप वहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं, फिर आप थोड़ा सा काम करते हैं और करते करते सीख जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे टेंडेंसी बिल्डअप होती है कि आप उस तरह से स्किल्ड नहीं हो पाते। तो बहुत सारे, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चरल भी हमारे यहाँ कंस्ट्रेंट्स हैं, मजबूत ढांचा नहीं है कि सभी को स्किल्ड प्रोवाइड किया जा सके। स्किल इंडिया मिशन इस दिशा में एक बेहतर कदम था कि सभी को स्किल बनाया जाए, बढ़ई, कुम्हार या और भी जो वर्ग हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए और वो स्किल्ड तरीके से, ट्रेन तरीके से काम करें, लेकिन अभी तक यही चलता आ रहा है, इसलिए बहुत सारा क्लास अभी भी अनस्किल्ड है। इशू ऑफ ट्रेड यूनियंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रेड यूनियंस, द वेरी ओरिजिन ऑफ ट्रेड यूनियन, जैसे 1920 में लगभग कांग्रेस ने भी बनाया था, तो ट्रेड यूनियन का जो बेसिक पैरामीटर था वो ये था कि एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। अब एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या करते, उसके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते थे। पर बाद में क्या हो गया, इनका इतना पॉलिटिसाइजेशन हो गया, दे स्टार्टेड वर्किंग एज एन ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द कंपनी, यानी वो एक अवरोध की तरह काम करने लगे किसी भी कंपनी के लिए, बेनिफिट के लिए, और उसके बेनिफिट के लिए ये ट्रेड यूनियन अब उतना फ़ायदेमंद नहीं होता था। ये स्ट्राइक करते थे, ये और भी कुछ करते थे, आज भी करते हैं, पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये बुरा है। इनका जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था कि एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो उस एक्सप्लॉयटेशन को घटाने के लिए इनका निर्माण हुआ, तो ये एक अवरोध की तरह कंपनी को खटकने लगे। तीसरा है अनप्रोडक्टिविटी, या मतलब इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम एफिशिएंट है। जाहिर सी बात है, जब स्किल्ड नहीं होंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी इतनी अच्छी नहीं होगी। तो बहुत सारे इशू लेबर मार्केट में चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने को भाई लगा, हालांकि बहुत सारे समय से सुधार किए जाने की कोशिश की जा रही है, कई सारे लॉ समय समय पर पास किए जाते हैं, पर गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब क्या किया जाए, तो इसके निवारण के लिए सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर, इन्होंने सजेस्ट किया कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लॉ बने हुए हैं, कई सारे लॉ हैं, तो जो लॉ हैं उनको, उनकी मल्टीप्लिसिटी को, उनकी अधिकता को कम किया जाए और एक चैनल बनाया जाए और उसमें उसको मर्ज कर दिया जाए, एसिमिलेट कर दिया जाए। तो उसको सरकार ने माना और फोर कोड्स का जनन उसको बनाया। तो इस समय एक फोर कोर्ट्स को लाया गया, ये फोर कोर्ट्स जो हैं 1, 2, 3, 4 भागों में बांटे गए इन 29 लॉ को, और इसके नाम लेबर कोर्ट्स ऑन वेजेस, वेतन संबंधी श्रम संहिता, लेबर कोर्ट्स ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, लेबर कोड्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक संबंध के लिए श्रम संहिता, और लेबर कोड्स ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। यानी ये चारों औद्योगिक सेफ्टी, औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की शर्तें, तो ये सारे लेबर कोड्स पास किए गए, जिसमें से कि ये वाला कोड्स अगस्त 2019 में इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल चुकी है, राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगा दी और ये एक लेबर कोड ऑफिशियल हो गया है। रिसेंटली इन सितंबर, जब अभी मॉनसून सेशन, जिसको बहुत कोविड की वजह से बहुत लेट हो गया था, गवर्नमेंट ने ये तीन कोड्स पास किए, इसीलिए लेबर रिफॉर्म्स की जो न्यूज़ है वो लाइमलाइट में आई। तो इन तीनों को गवर्नमेंट ने बहुत ही रिसेंटली पास किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना। तो लगभग 29 लॉज को हमने फोर कोड्स में बांटकर एक जो उसकी अधिकता थी, जो उसमें एम्बिगुअसनेस थी, उसको दूर करने की कोशिश की है। तो इसमें कुछ की फीचर्स होंगे, हम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँच रहे हैं, तो उसके की फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अगर आप सोशल सिक्योरिटी कोड की बात करें, तो इसमें पहले देखा गया कि EPFO जो है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, लगभग 556 डिस्ट्रिक्ट तक फैला हुआ था, पर अब इसको पूरे 740 डिस्ट्रिक्ट ऑल ओवर कंट्रीज में कर दिया गया है। दूसरा, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है,
तो अब वो ईपीएफओ के सिक्योरिटी में इनरोल किए जा सकते हैं, ठीक है। एक सोशल सिक्योरिटी फंड का गठन किया गया है कि एम्प्लॉय को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए फंड दिया जाएगा। एक नेशनल डेटाबेस बनाया जाएगा, किसका? अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स का, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर्स काम कर रहे हैं उनके लिए एक नेशनल डेटाबेस बनाया जाएगा। और भी कई सारे ऐसे सोशल सिक्योरिटी के लिए नियम बनाए गए हैं, तो हमें समझना चाहिए कि इससे क्या फ़ायदा होगा। ये सब तो आप समझ ही में आ रहा है, फंड से भाई दे दिया जाएगा सिक्योरिटी। तो अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास नेशनल डेटाबेस होगा तो हमें पता होगा कि कितने लोग इम्प्लॉय कर रहे हैं, कौन कौन इम्प्लॉय कर रहे हैं, और उनके लिए अगर कोई नई स्कीम आएगी तो उसके लिए हम उनको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर देंगे या कोई और प्रॉब्लम, या मतलब कोई और सोल्यूशन उनको प्रोवाइड कर देंगे। दूसरा देखेंगे, अगर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन वाला कोड देखेंगे तो इसमें क्या चेंजेस किया गया है। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट क्लॉज था सोशल सिक्योरिटी बारे में, आपको बताना भूल गया कि इसमें 9 लॉज को एसिमिलेट किया गया। एसिमिलेट का मतलब वो क्या होता है, मिश्रण करना, ठीक है। एसिमिलेट किया गया है 9 लॉज को, कौन कौन से लॉज हो सकते हैं तो सोशल सिक्योरिटी के लिए, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, या एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है, ग्रेचुटी एक्ट है, तो वो सारे उस टाइप के एक्ट को मिलाया गया है। अगर इसकी बात करें तो ये अपने आप में एक एक्ट था, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर सॉरी वर्किंग कंडीशन एक्ट, और इसमें आ सकता है फैक्ट्री एक्ट, माइंस एक्ट, प्लांटेशन एक्ट, और भी कई सारे ऐसे एक्ट हैं जिसमें सब्ज्यूम किए गए हैं, इसमें मिलाए गए हैं। तो ये इसमें नए नियम में क्या आया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर इंजरी होती है कोई, पहले क्या होता था कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपको कोई इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो आपको कंपेंसेट किया जाएगा। पर अब क्या हो गया कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन जा रहे हैं या आ रहे हैं तब भी अगर आपको कोई इंजरी होती है तो वो इसके अंदर दिया जाएगा। दूसरा, जो एम्प्लॉई है उसका हेल्थ चेकअप किया जाएगा एवरी ईयर, उसको चेकअप कराया जाएगा भाई, एवरी ईयर उसका चेकअप होगा, जो कि ये बताएगा कि उसकी हेल्थ कैसी है, अच्छी है बुरी है। उसके बाद राइट टू अपॉइंटमेंट लेटर का भी एक सुविधा किया गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय, जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट का एक अनऑर्गेनाइज का सेक्टर का डेटा देखेंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक सूचना दिखाती है कि लगभग लगभग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं वर्कर्स, उसमें से 71% ऐसे हैं जो सैलरीड हैं, उनके पास जॉब लेटर नहीं है। भैया कभी भी कोई बाहर निकाल सकता है, कोई गारंटी नहीं है। 54% ऐसे हैं जो पेड लीव नहीं ले सकते, और 50% के लगभग ऐसे लोग हैं जो कि मतलब उनके पास कोई सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है, सोशल सिक्योरिटी उनकी नहीं है, जो वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरह के गवर्नमेंट डेटा से हम समझ सकते हैं कि राइट टू अपॉइंटमेंट लेटर कितना इम्पॉर्टेंट एक कदम हो जाता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट है कि ऑक्यूपेशनल जो सेफ्टी है वो आईटी सेक्टर के लिए भी इंट्रोड्यूस की जा रही है। पहले भी ये था, लेकिन कुछ जो सिनेमेटिक आर्टिस्ट होते थे, जो आर्टिस्ट वगैरह होते थे उनको मिलती थी, अब जो सिनेमेटिक एरिया में काम कर रहे हैं उनको भी ये सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी। तो अब तीसरा आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है, और इस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में लगभग 13 एक्ट्स जो सब्ज्यूम किए गए थे, समझ लीजिए 29 लॉ टोटल हो गए, और आपके 9 लॉ हो गए सोशल सिक्योरिटी में। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो था वो वेजेस में 4 एक्ट्स हो गए, इसमें 13 एक्ट्स हो गए। तीसरा बचता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इसमें कौन कौन से एक्ट थे, जैसे मान लीजिए कि ट्रेड यूनियन एक्ट था, ठीक है, और भी इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट था 1947 का, तो इसमें सब्ज्यूम किया गया। इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्लॉज था वो 14 डेज स्ट्राइक्स का है, यानी अगर कोई ट्रेड यूनियन किसी भी सब्जेक्ट पर स्ट्राइक करना चाहता है तो उसका 14 डेज प्रायर नोटिस देना होगा। तो ये बहुत ही मतलब क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि भाई आप हमारी आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं। और एक चीज़ है कि अब जो मैंने आपको बताया था कि 100 एम्प्लॉय का था मार्क, उसको 300 कर दिया गया, यानी 300 एम्प्लॉय के ऊपर होंगे तो आपको गवर्नमेंट क्लॉज मानने होंगे, यानी अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब एम्प्लॉय किए जाएंगे कंपनी के द्वारा, ठीक है। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि इक्वालिटी ऑफ
वेमेन की भी बात की गई है, ठीक है, और जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनका भी डेटाबेस बनाया जाएगा। तो मतलब इस तरह की चीज़ें सुधार की गई हैं। इसका ज़रा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि जो अभी डे नाइट ड्यूटीज़ होती थी या कोई हार्ड टास्क होता था जो मेन करते थे, अब हर एरिया में मेन और वुमेन को बराबर का दर्जा दिया जाएगा। तो ये सारे कुछ की फीचर्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने अभी नए कोड्स में लॉन्च किए हैं। अच्छा, इसके लिए अब क्यों आवाज़ें उठाई जा रही हैं, इसके लिए क्या क्या कंसर्न्स हैं? तो ये कह सकते हैं कंसर्न्स अगर हम देखेंगे तो ये जो है डाइल्यूट कर रहा है लेबर राइट्स को। भाई कैसे? जो नियम बनाए गए हैं 300 वाला, इसमें आप क्या समझ सकते हैं? अगर कई लोगों को बिना गवर्नमेंट के परमिशन के निकाला जा सकता है या हायर किया जा सकता है, कोई उनको जरूरी नहीं सिक्योरिटी दी जाए, तो ये आप कह सकते हैं कि भाई उनका राइट डाइल्यूट किया जा रहा है। सिमिलरली डाइल्यूटिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये कैसे? जो 14 दिन का स्ट्राइक का प्रायर नोटिस दिया जा रहा है, अगर उनको पता चल जाए कि इस इश्यू पर वो प्रायर नोटिस बिना दिए स्ट्राइक करने वाले हैं या उनको पता चल जाए कि इस पर स्ट्राइक होना है, तो वो पहले से उसको कर्व कर देंगे कौन करने वाला है, कितनी करने वाला है, कैसे करने वाला है। तो ठीक है, ये इशू हो सकता है। ये जो टेंडेंसी होगी ये आपके हायर एंड फायर जो पॉलिसी है उसको बढ़ावा देगी, ठीक है। तो ये भी इशू है। और एक इशू जो है वो वेमेन सेफ्टी का है, इम्पॉर्टेंट है कि भाई अभी तक जो आईटी सेक्टर होता था वो तो भाई कैब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उनका ध्यान दे रहा है, पर नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में इतना ध्यान देना, रात की ड्यूटी करना, हर मैनुअल टास्क कर लेना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो वुमेन सेफ्टी का भी एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। तो ये सारे कुछ कंसर्न है, ट्रेड यूनियन का भी है जो स्ट्राइक नहीं करने दी जा रही है और ये सब। और इसके लिए हम क्या किया जा सकता है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो बेसिक नीड है, बेसिक रिफॉर्म्स की बहुत आवश्यकता है। व्हाट शुड बी डन, हम देख सकते हैं कि सबसे पहले तो लेबर का प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए। अब लेबर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, जैसे स्किल बढ़ाया जाए, स्किल इंडिया टाइप्स, ठीक है, उसको ट्रेंड किया जाए, ट्रेंड वर्कर बनाया जाए। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसके लिए न सिर्फ फिजिकल इन्वायरमेंट की आवश्यकता होगी बल्कि इमोशनल, ठीक है, और उसको जो सेफ्टी दी जाएगी, जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट होगा वो क्लीन होगा। तो इन सब चीज़ों का केवल फिजिकल चीज़ें से नहीं होता है, अगर सब कुछ उसको मिलेगा तो उसका एक तरीके से मोराल बूस्ट होगा, वो अधिक काम करने के प्रेरित होगा और अधिक प्रोडक्टिविटी देगा, ठीक है। आप कह सकते हैं कि एक फ्रेमवर्क लीगल रूप से बनाना चाहिए। ये फ्रेमवर्क ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन के थ्रू बन सकता है। अब ये क्या चीज है भैया, ये कौन सी चिड़िया है? तो 1, 2, 3 एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन या और कोई वर्ग, अगर इन दोनों का एक कॉमन कंसेंसस पॉइंट यानी एक साझा निर्णय निकाला जाए तो एक तरीके का फ्रेमवर्क बनेगा जो कि सभी के लिए बेनिफिशियल होगा, सभी लोग उसके अधीन होकर काम करेंगे और उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, इससे बहुत स्मूथ प्रोडक्ट चलेगा, ठीक है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ट्रस्ट एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। तो अगर फ्रेमवर्क अच्छा रहेगा, उसको अच्छा सेफ्टी इमोशनल और कोशेंट, उसका फिजिकल और सेफ्टी हेल्थ अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयबिलिटी ट्रस्ट रहेगा। जरूरी नहीं भाई हर बात पे आपको निकाल दिया जाएगा, अगर वो एच पे बैठा होगा तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए जो बेसिक रिफॉर्म्स हैं उसको करना ज़रूरी है। हाँ ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉस थी उसको आपने दूर करके कोड्स बना दिया तो ये भी ज़रूरी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर उसके लिए आप जो क्लॉज डाल रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो बेसिक नीड है वो एम्प्लॉय का बूस्ट करना है, उनका मोरल को उठाना है। अगर उनके मोरल को आप उठाएंगे तो शायद वो अच्छा काम करे, और अच्छा काम करे तो अच्छा आउटपुट आएगा, अच्छा आउटपुट आएगा तो देश की इकोनॉमी इंक्रीज़ करेगी। तो ये सारे कुछ कंसर्न थे कि लेबर लॉज में क्या क्या हो सकते हैं, क्या पर्पज़ हो सकते हैं, क्या उसमें सुधार किए गए हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है और उसको हम कैसे और ज़्यादा ठीक कर सकते हैं। तो इन सभी नियमों को ठीक करने के बाद इस वीडियो में हमने जाना कि गवर्नमेंट ने क्या रिसेंट रिफॉर्म्स किए हैं, ठीक है, उसके क्या क्या कंसर्न है, क्या क्या हम कर सकते हैं। और भी इस तरह के वीडियो जानने के लिए परीक्षा मंथन के अगले वीडियोस का इंतजार करें, और अगर आपको कोई वीडियो से प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, जो भी सुधार करना होगा हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके एजुकेशन से ही हमारे संस्थान का
साथ साथ चलन बढ़ेगा और हमारा आपका ट्रस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो वेरी वेरी थैंक यू।